दोस्तों भीड़ देखो जबरदस्त, कितनी पब्लिक आती है रे दोस्तों। देखिए मस्त बारिश हो रही है सामने पनवेल में। करजत से 11 किलोमीटर दूर सोंडेवाड़ी विलेज के पास शादरी पर्वतमाला का एक सुंदर सा पहाड़ सोंडई स्थित है। सोंडई पर्वत सोंडई फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये फोर्ट मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और पुणे से 106 किलोमीटर दूर है। अगर आप लोकल ट्रेन से यहाँ आ रहे हैं तो मुंबई लोकल ट्रेन से या मेल ट्रेन से करजत रेलवे स्टेशन आ जाइए और वहाँ से ऑटो या टैक्सी लेकर यहाँ पर ईज़िली आया जा सकता है। तो चलो दोस्तों सोंडई फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेयरफुल वाइब्स। और दोस्तों आज हम लोग आए हैं सोंडई फोर्ट ट्रैक करने के लिए। सुबह 7:15 बजे निकल गए थे और इसके हमने ट्रैकिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। और लगभग 8:30 बजे पहुँच गए थे हम लोग यहाँ पे। मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर्स दूर है और अगर आप थाने से भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास ही दूर है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो करजत रेलवे स्टेशन सबसे पास में है और वहाँ से ये जगह जो है 9 किलोमीटर्स है। तो अब आज तो धूप हो रही है मगर थोड़े से बादल हैं, शायद बीच में थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए। तो अभी 9 बज रहा है, अभी 9 बजे ट्रैक स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, 45 मिनट से 1 घंटे का लगता है इसको ट्रैक करने में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैकिंग। तो दोस्तों चलो चलते हैं और बीच बीच में आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि इसका ट्रैक कैसा है। और यहाँ पे दोस्तों ये पार्किंग है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी पार्किंग है, बसेस वगैरह कार्स वगैरह सब है यहाँ पे पार्क कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे वीकेंड्स में मेरे ख्याल से लोग ऐसा कहते हैं वीकेंड्स में यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस लिए जाते हैं। वैसे वीकडेज में तो ज़्यादा पब्लिक नहीं आता इसलिए लोग रहते नहीं है। तो चलते हैं फिर ऊपर और ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि जल्दी जाके जल्दी आएंगे और फिर जल्दी घर जाना भी है। तो ठीक है दोस्तों चलो एक्सप्लोर करते हैं सोंडई फोर्ट। फ्रेंड्स तो हम लोग ने अपना ट्रैक चालू किया है, वो सोंडई फोर्ट आप सामने देख सकते हो, वहाँ पे हमें जाना है। अब देखते हैं यहाँ से किधर से इसका रास्ता है। काफ़ी पब्लिक आई है, आज संडे है तो काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पर। तो देखिए अब पब्लिक आती जा रही है यहाँ पे। जितने भी करजत वर्जत के पास के जितने ट्रैक्स हैं वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है वीकेंड्स में। तो दोस्तों आज के ट्रैक में मैं फैमिली के साथ नहीं आया हूँ, मेरे दो दोस्त हैं, मेरे कोलिग्स हैं एक्चुअली, में ऑफिस कोलिग्स राजेश और गणेश। तो इनके साथ में आज का ट्रैक हम लोग करते हैं और फुल टूस मस्ती करेंगे और आप लोगों को भी मज़े कराएँगे। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप ठीक है सोंडई चाय वगैरह पी सकते हैं। दोस्तों यहाँ से व्यू तो ज़बरदस्त दिख रहा है, आप देख सकते हो। दोस्तों ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे एरो ही बना है इस पत्थर पे। यहाँ तक ऑटो वगैरह आपको यहाँ तक भी छोड़ते हैं। यहाँ पे भी एक छोटी पार्किंग है, बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं बट वहाँ पे बड़ी पार्किंग थी। अगर यहाँ पे नॉर्मली वो अच्छा है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 50 मीटर होगा। तो दोस्तों चलो सोंडई फोर्ट को स्टार्ट करते हैं। सोंडई फोर्ट का ट्रैक यहाँ से ही दिख रहा है, वो सामने वाला फोर्ट है वही है सोंडई फोर्ट। एक्चुअली में ऊपर नहीं है मगर ऊपर एक मंदिर है सोंडई माता का, जिसको यहाँ के गांव वाले उनकी पूजा करते हैं।
वाह, शादरी में बारिश में ट्रैक करने में बहुत मजा आता है, पूरी हर जगह पे आपको ग्रीनरी दिखेगी। दोस्तों अपना ट्रैक चालू है और राजेश को बहुत मजा आ रहा है। इन लोगों ने एक्चुअली में ना बीच बीच में काफी जगह पे बैरियर्स लगा रखे हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक स्टार्ट हो गया है, रॉकी पैच, छोटे छोटे रॉक्स पड़े हुए हैं इसमें रास्ते में। इनके ऊपर से चल के जाना है। ट्रैकिंग करने में तो हालत खराब हो रही है, अराउंड 50% आ गए। नजारा देखो दोस्तों, दोस्तों मस्त मजा आ रहा है। आप देख सकते हो ऊपर से व्यू कितना अच्छा है। सोचिए ये तो एक छोटा फोर्ट है, अगर किसी बड़े फोर्ट पे होते तो कितना मजा आता नीचे का व्यू। आज एक्चुअली में ज्यादा बादल नहीं है, उस तरफ अभी काले बादल आ गए हैं और वहाँ पे बारिश हो रही होगी, हो सकता है इधर भी हो सकता है उतरते समय हमें बारिश मिले। तो लेट्स सी, अभी तो थोड़ी उमस हो रही है, ऊपर चढ़ रहे हैं तो गर्मी लग रही है, मगर सुहाना मौसम है, इतनी गर्मी वाला मौसम नहीं है। दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं ऊपर, वहाँ पे एक टपरी है ऊपर भी, उसके बाद मेरे ख्याल से लोखंड की दो सीढ़ियाँ होंगी और उसके बाद हम लोग ऊपर टॉप पे पहुँचेंगे। दोस्तों अब लगता है हम लोग 70% आ गए और आप देख सकते हैं नीचे का व्यू कितना जबरदस्त है। ये हमारे राजेश, इनको काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में। अभी दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बस अब ये दो लोखंड की सीढ़ियाँ हैं ऊपर, एक वहाँ पे, एक थोड़ा सा नीचे है और हम लोग उस टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक ऐसे ही मचान टाइप का है, मेरे ख्याल से लास्ट मचान। अच्छा, इसके ऊपर भी एक टपरी है वहाँ पे। तो है यहाँ पे लोग हैं, खाने पीने का सामान मिलता रहता है ऊपर तक वीकेंड्स में, तो वीकडेज में मेरे को पता नहीं, मगर जो भी है मज़ा आ रहा है और नज़ारा तो दोस्तों देखने लायक है। दोस्तों फोर्ट के ऊपर जो है ये सोंडई देवी का मंदिर है, तो उसी की पूजा होती है यहाँ पे। एक्चुअली में ये फोर्ट जो है वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल होता था, इसमें एक्चुअली में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है और इसके फोर्ट के रूम्स अगर मेरे को दिखेंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों ऊपर चलते हैं और आपको ले चलते हैं इस सोंडई फोर्ट के टॉप पर। लोखंड की सीढ़ियाँ स्टार्ट होने के पॉइंट पे दो तीन टपरी हैं, और भी टपरियाँ बनाई जा रही हैं। से
लोखंड की सीढ़ियाँ चालू हो गई हैं। बहुत टफ नहीं है, ईजली चढ़ लोगे। और दो ही सीढ़ियाँ हैं। ये गणेश फर्स्ट सीढ़ी चढ़ते हुए, आखिरकार बर्ड ग्रुप ने ऑलमोस्ट 90% ये ट्रैक कर लिया। यहाँ पे भी दोस्तों एक टैंक है, इसका पानी भी गंदा है, मडी पानी है, मज़ा नहीं है पीने लायक। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी टैंक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे भी दो टैंक्स हैं, में काफ़ी ग्रीनरी मतलब फंगई है, इसे पीने लायक तो पानी नहीं है। तो दोस्तों एक छोटा लोखंड की सीढ़ी और है और उसके बाद हम लोग सोंडई फोर्ट के टॉप पे पहुंच जाएंगे। एट लास्ट हम लोग सोंडई फोर्ट के टॉप पे आ गए। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है मगर छोटा ही एरिया है, मगर बहुत भीड़ है आज, आप देख सकते हो, मज़ा आ गया। दोस्तों यहाँ पे सोंडई माता का मंदिर भी है और लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। दोस्तों सोंडई फोर्ट के टॉप से जो है आप देख सकते हो, वन साइड में इधर कर्जत है और बीच में ये मोरबे डैम, और मोरबे डैम के उस तरफ आपको पनवेल, तो ये नवी मुंबई के जस्ट पास में है, कर्जत के भी जस्ट पास में है, आप यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सामने वाला देख रहे हैं वो करनाला फोर्ट है, ये पीछे वाला ये प्रबलगढ़ है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उस तरफ जो है कलावंती दुर्ग है, ये माथेरान है और ये जो है गार्बेट प्लेटो है, उसका इस तरफ वाला एज है, उसके उस तरफ है गार्बेट प्लेटो। दोस्तों हमारी पार्किंग है यहाँ पे, वो देखिए वहाँ पे हमने पार्क किया है गाड़ी को, इस जगह पे। और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा बड़े बादल तो नहीं है, बारिश चली जाएगी, मगर अच्छा इसने काफ़ी ठंडा मौसम कर दिया है। एट लास्ट राजेश हैज डन। दोस्तों सोंडई फोर्ट के पास में चांगेवाड़ी ट्विन वाटरफॉल भी है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम लोग टाइम की वजह से उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स सोंडई फोर्ट का ट्रैक हमारा कंप्लीट होता है और अभी हम लोग नीचे उतर के आ गए, पार्किंग लॉट में आ गए और वो सामने सोंडई फोर्ट है। तो आप मतलब एक्चुअली में ये फोर्ट का ट्रैक काफ़ी इजी है और आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ, मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि आप सब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आएँ और मानसून में एक बार तो ट्रैक ज़रूर करें। तो दोस्तों अब ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अब यहाँ से हम निकलेंगे अपने घर की ओर, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।